नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे पटना साहिब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है पटना साहिब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पटना साहिब विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने जहां अपने पुराने उम्मीदवार अनंत किशोर यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को टिकट दिया है। हम पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर पटना साहिब विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर। साल 2015 में हुए चुनाव में इस क्षेत्र से भाजपा का वर्चस्व रहा। चुनावी मैदान में आमने सामने एक दूसरे का कट्टर पार्टी भाजपा और राजद रही थी। भाजपा से जहां नंद किशोर यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया था, वहीं राजद से संतोष मेहता चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। दोनों उम्मीदवारों के वोटों को देखा जाए तो संतोष मेहता को जहां 85,316 वोट प्राप्त हुआ था, वहीं नंद किशोर यादव को 88,108 वोट हासिल हुआ था। अब हम साल 2010 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस चुनावी साल में भी भाजपा ने परचम लहराया था और नंद किशोर यादव विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के परवेज अहमद को 65,337 वोटों से पीछे छोड़कर बाजी मार ली थी। अब हम पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के पिछले चुनावों को देखें तो साल 1995 से लेकर अब तक भाजपा के नंद किशोर यादव का ही डंका बजता रहा है। लगातार 5 चुनाव में उनका पटना साहिब सीट पर कब्जा रहा है। अब साल 1990 के विधानसभा चुनाव परिणाम की तरफ देखा जाए तो इस विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से महताब लाल सिंह जनता दल से विधायक चुने गए थे। अब हम बात करेंगे पटना सिटी के विकास कार्य के बारे में। इस तरफ देखा जाए तो मूलभूत आवश्यकताओं के तरफ ध्यान दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं रफा दफा हो गई हैं। पेयजल की आपूर्ति इलाके में की गई है, बिजली पहुंचाई गई है, सड़कों का निर्माण किया गया है। अब हम इस क्षेत्र के चुनावी मुद्दों को देखें तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है। भारी जल जमाव और सड़क जाम की वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की कमी अब भी बरकरार है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस सीट पर एनडीए में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई है, तो वहीं महागठबंधन से यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। कांग्रेस ने जहां प्रवीण कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार नंद किशोर यादव को टिकट दिया है। पटना साहिब क्षेत्र के लोगों की माने तो अगर यह सीट राजद के खाते में चली जाती तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता था। कई लोगों ने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस राजद के पूर्व उम्मीदवारों को अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतार देती तो विधानसभा की चुनावी रणनीति कुछ और ही होती। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पटना साहिब की जनता किसे अपना नेता बनाकर सदन में भेजती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।